नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज़ में, जिसमें हम अभी तक अपने 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज यहां पर आप देख रहे हैं अपना 8वां चैप्टर, जिसका नाम है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। अब इस चैप्टर से वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। इस चैप्टर की खासियत यह है कि एग्ज़ाम चाहे CCC का हो चाहे ओ लेवल का हो, क्वेश्चन रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए हैं बहुत ध्यान से आपको देखने होंगे। चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए देखते हैं अपना पहला सवाल। डैश डैश इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ मनी। रिक्त स्थान, यह शब्द उन संगठनों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है जो धन प्रबंधन से संबंधित हैं। तो अगर कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा है, मैनेजमेंट ऑफ मनी कर रहा है, तो इस चीज़ से जो डील करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है। फाइनेंशियल टूल, इकोनॉमिक टूल, फाइनेंशियल प्रोडक्ट या नैन ऑफ दिस। तो देखिए फाइनेंस से संबंधित है तो फाइनेंशियल टूल होगा यहाँ पर सही जवाब। देख एकदम आसान सा सवाल था ये, अगर ध्यान दिया होगा तो मनी जो कि फाइनेंस से संबंधित है उसको मैनेज कर रहा है तो फाइनेंशियल टूल कहा जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, दूसरा सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर और नंबर ऑटोमेटिकली जनरेटेड फॉर सिंगल लॉग इन अटेम्प्ट। मतलब जब आप कहीं पर लॉगिन कर रहे हो एक बार, सिंगल लॉगिन मतलब आप एक बार के काम के लिए लॉगिन कर रहे हो, तो आपके पास एक कोड आता है, एक स्ट्रिंग आती है जिसके द्वारा आप लॉगिन कर पाते हैं। उस चीज़ को आप क्या कहते हैं, क्या उसको पासवर्ड कहते हैं, क्या OTP कहते हैं, क्या QR कोड कहते हैं, क्या USSD कोड कहते हैं। तो वो कोड क्या कहलाता है सबको पता होगा, वन टाइम पासवर्ड, OTP कोड कहलाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए बारी है तीसरे सवाल की। मेनी कंपनीज़ यूज़ डैश डैश टू प्रोवाइड टेम्परेरी पासकोड। तो बहुत सारी कंपनी रिक्त स्थान यूज़ करती है टेम्परेरी पासकोड के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप ईमेल, SMS, फ़ोन कॉल या नन ऑफ दिस। तो बहुत सी कंपनी SMS के थ्रू पासकोड बनाती है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। ईमेल भी यूज़ होता है, फ़ोन कॉल भी यूज़ होता है, पर लगभग SMS ही यहाँ पर यूज़ होता है। अब ये जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं अगर रोज़मर्रा के जीवन से आप तुलना भी करेंगे तो लगभग चीज़ें आपको देखी हुई यहाँ पर मिलेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द इंस्टेंट एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन हिडन इन द कोड। तो यहाँ पर किसी कोड में जो इन्फॉर्मेशन हिडन होती है उसको एक्सेस बहुत तेज़ी से आप कर पाते हैं, किसके द्वारा, OTP के द्वारा, USSD कोड के द्वारा, QR कोड के द्वारा या UPI के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए QR कोड जो होता है इसके द्वारा आप क्या करते हैं, आप जाते हैं, स्कैन करते हैं, तुरंत उसका नाम, खाता तुरंत आपके सामने आ जाता है और तुरंत आप रुपए ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यही चीज़ पूछी जा रही है, इंस्टेंट एक्सेस किसी इन्फॉर्मेशन को हिडन कोड के थ्रू आप करते हैं। अब ज़रूरी नहीं ये खाते से ही रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ का QR कोड हो सकता है। किसी वेबसाइट तक पहुंचना हो तो भी QR कोड यूज़ किया जा सकता है, किसी इमेज तक पहुंचना हो तो भी QR कोड यूज़ किया जा सकता है। एक शॉर्ट भी हमने डाला था जिसमें समझाया था किसी भी चीज़ का QR कोड आप कैसे बनाते हैं, वो भी हमने समझाया था। तो यहाँ पर देखिए QR कोड सही जवाब होगा। QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, नाम ही है क्विक रिस्पॉन्स करने वाला कोड। चलिए अगला सवाल, पांचवा। विच टाइप ऑफ QR कोड इज़ डिस्प्लेड इन एडवर्टाइजिंग मटेरियल ऑन टेलीविज़न एंड इन न्यूज़पेपर। तो जब भी कोई एडवर्टाइजिंग होती है या टेलीविज़न या न्यूज़पेपर में, तो जो QR कोड होता है वो स्टैटिक टाइप का QR कोड होता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका छठवां सवाल। विच QR कोड कैन बी एडिट एट एनी टाइम बाई ओनर। मतलब ऐसा कौन सा QR कोड होता है जो ओनर के द्वारा कभी भी एडिट किया जा सकता है या उसे बदला जा सकता है। देखिए स्टैटिक अगर होगा तो वो फिक्स होगा, डायनामिक नाम से ही समझ में आ रहा है, डायनामिक मतलब ऐसी चीज़ जिसे बदला जा सकता हो। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डायनामिक QR कोड। ठीक, चलिए अगला सवाल। UPI किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो UPI को क्या RBI ने लॉन्च किया था, यहाँ ABCD का सीक्वेंस अलग है, मतलब यहाँ ए से यहाँ से शुरू होना चाहिए था, सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ है। तो क्या RBI ने लॉन्च किया था, IFSC ने लॉन्च किया था, USSD ने लॉन्च किया था या NPCI ने लॉन्च किया था। तो UPI किसने लॉन्च किया था, तो UPI को लॉन्च किया था NPCI ने। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ। Which of the following is a system that facilitates user to access multiple bank account with single mobile application? एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन से मल्टीपल बैंक अकाउंट एक्सेस आप कर पाते हैं, ये सुविधा किसके द्वारा मिलती है। आपने फ़ोन में भी देखा होगा ऐप में आप 5-5 बैंक ऐड कर ले रहे हैं, 6-6 बैंक ऐड कर ले रहे हैं, ये कैसे होता है, क्या वो UPI के द्वारा होता है,
AEPS के द्वारा होता है, USSD के द्वारा होता है या OTP के द्वारा होता है। ये तो सिंपल सा चीज़ है, UPI के ही द्वारा ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब तक UPI नहीं था ये सारी चीज़ आपकी संभव नहीं थी। इससे काफ़ी चीज़ बैंकिंग के सेक्टर में मैं कहूँ तो बहुत सारी चीज़ इंटरनेट बैंकिंग में इसने बदल दी है। अगला देखिए, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन UPI पिन। UPI पिन में कितने डिजिट होते हैं? आपने फ़ोन में भी UPI पिन लगाया होगा, अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते होंगे रुपए, तो वो UPI पिन कितने अंक का होता है? क्या वो 3 अंक का होता है, 7, 5 या 6 अंक का होता है? ये तो लगभग लोग को पता ही होगा जो यूज़ करते होंगे कि UPI पिन आपका 6 अंक का होता है टोटल। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद चलिए अगला सवाल देखते हैं, 10वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पेमेंट सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर किस टाइप का भुगतान प्रणाली है जो UIN यूज़ करती है? USSD, AEPS, POS या QR कोड? तो AEPS यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं, AEPS इज अनदर इनिशिएटिव टेकन बाय द डैश टू इनकरेज कैशलेस ट्रांजेक्शन इन इंडिया। कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए भारत में AEPS एक और कदम उठाया गया था, किसके द्वारा? किसके द्वारा? NPCI के द्वारा, RBI के द्वारा, ICICI के द्वारा, HDFC के द्वारा। तो AEPS का जो संबंध है NPCI से है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, अपना 13वां 12वां क्वेश्चन देखते हैं। विच सर्विस आर ऑफर्ड बाई AEPS? AEPS के द्वारा कौन सी सर्विस ऑफर की जाती है, मतलब क्या चीज़ आप कर सकते हैं AEPS का इस्तेमाल करके? क्या आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं? कर सकते हैं। पेमेंट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, रुपए को भेज सकते हैं? कर सकते हैं। बैलेंस अपना इंक्वायरी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितना बैलेंस है? कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें AEPS के द्वारा हो सकती है, तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन पे टिक कर देना है। ठीक, चलिए अगला देखिए, 13वां सवाल। डैश इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अवेलेबल ऑन एवरी GSM इनेबल मोबाइल डिवाइस। हर GSM मोबाइल डिवाइस में कौन सी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अवेलेबल होती है? USSD, AEPS, UPI या NEFT? तो अगर आप बात कर रहे हैं सब GSM मोबाइल में कौन सी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अवेलेबल होती है, तो वो USSD होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 14वां सवाल है, टू यूज़ USSD मोबाइल बैंकिंग यूज़र हैव टू सिंपली डॉयल। अगर आप USSD मोबाइल बैंकिंग सुविधा उठाना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल से क्या चीज़ डायल करना पड़ेगा? तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने, इसका आप बिना इंटरनेट का इस्तेमाल किए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका बी ऑप्शन *99# आप अगर डायल कर देंगे तो आप USSD मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, और ये किसी भी मोबाइल में आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। चलिए अगला है 15वां सवाल, विच इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड फॉर USSD फंड ट्रांसफ़र। अगर आप USSD फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए? क्या MMID होना चाहिए? MPIN पता होना चाहिए, बिना MPIN के तो बात ही नहीं बनेगी। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये तीनों जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तो यहाँ पर ऑल द अबव पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं 16वें सवाल की तरफ, फॉर दिस कार्ड होल्डर बोरो फंड विद विच टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इस कार्ड के लिए कार्डधारक सामान और सेवाओं के भुगतान के लिए धनराशि उधार लेता है, मतलब उसके कार्ड में होता नहीं है, वो पहले कहीं से लेता है और फिर उसको भुगतान कर देता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM या नन ऑफ दिस। तो जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है ये वो सुविधा देता है कि आपको पहले क्रेडिट दे देता है, रुपए दे देता है उधार में, और फिर धीरे धीरे करके आप उसको भर सकते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए 17वां सवाल देखते हैं, विच क्रेडिट कार्ड आर मेंट फॉर दोज हु ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट। कौन से क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए हैं जिनके पास पहले से बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं? तो यहाँ पर देखिए बैलेंस ट्रांसफ़र, सिक्योर्ड, लो इंटरेस्ट, रिवॉर्ड। तो यहाँ पर जिनके पास बहुत सारे कार्ड हैं उनके लिए बैलेंस ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपके पास सही है। इसके बाद 18वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड। इनमें से कौन सा क्रेडिट कार्ड का टाइप है यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है रिवॉर्ड, लो इंटरेस्ट, सिक्योर्ड या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर रिवॉर्ड भी आपका क्रेडिट कार्ड का टाइप है, रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड। लो इंटरेस्ट टाइप का क्रेडिट कार्ड भी होता है, सिक्योर्ड टाइप का क्रेडिट कार्ड भी होता है। तो ये सारे आपके क्रेडिट कार्ड के ही टाइप हैं। तो यहाँ पर सही जवाब आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 19वां सवाल।
डेबिट कार्ड आर ऑल्सो नोन एज, डेबिट कार्ड को और किस नाम से जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड नहीं, रुपे कार्ड नहीं, चेक कार्ड, ये आपका सही जवाब है। डेबिट कार्ड का एक और नाम क्या है? चेक कार्ड्स होता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 20वें सवाल की तरफ। डैश डैश कार्ड नीड इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन एवरी टाइम ट्रांजेक्शन इज रिफ्लेक्टेड इन यूज़र अकाउंट, जब भी यूज़र के अकाउंट में ट्रांजेक्शन होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन चाहिए होता है। ये किस टाइप का कार्ड होता है? ऑनलाइन डेबिट, ऑफलाइन डेबिट, प्रीपेड डेबिट या ऑल ऑफ दिस? तो ये आपका ऑनलाइन डेबिट में होता है हर ट्रांजेक्शन में, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। इसके बाद 21वां सवाल, ई वॉलेट इज़ ऑल्सो नोन एज डैश डैश प्रोटेक्टेड विथ द पासवर्ड। तो यहाँ पर आप देखिए, पॉकेट वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, प्रीपेड वॉलेट या नन ऑफ दिस, तो यहाँ पर मोबाइल वॉलेट सही जवाब हो जाएगा। ई वॉलेट को पासवर्ड से संरक्षित मोबाइल वॉलेट के रूप में भी जाना जाता है। ई वॉलेट मतलब क्या होता है? ऐसा वॉलेट जो मोबाइल वॉलेट की तरीके से काम करे, मोबाइल में ही एक पर्स आपकी बना दे, एक लॉकर आपका बना दे जिसमें कुछ अमाउंट आप रख लेते हैं। चलिए 21वें के बाद 22वां सवाल है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल अंडर ई वॉलेट, ई वॉलेट के अंदर इनमें से कौन सी सुविधा आपकी होती है? कैशबैक की सुविधा, कि रुपए आपको जो कैशबैक मिलता है वो ई वॉलेट में आ जाता है, क्या ये सही है या नहीं? तो आपने देखा भी होगा, रुपए ई वॉलेट में आ जाते हैं और उसको आप यूज़ कर लेते हैं कहीं ना कहीं शॉपिंग में। फिर ई वॉलेट के अंदर रिवॉर्ड आता है आपका, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, मतलब ए और बी दोनों सही है, तो यही आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। इसके बाद चलिए 23वां सवाल, विच ई वॉलेट इज़ द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू रिसीव लाइसेंस फ्रॉम RBI टू स्टार्ट पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक को शुरू करने के लिए कौन सा वॉलेट कंपनी सबसे पहली वॉलेट कंपनी थी इंडिया में जिसने इसको शुरू किया था? तो यहाँ पर फ्री चार्ज, मोबीक्विक, एयरटेल मनी या पेटीएम? तो एक बहुत फेमस नाम आप पेटीएम का सुने ही होंगे, और यही पहली कंपनी थी। शुरू में देखिए, जब आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन शुरू हुआ था, पेटीएम तो एकदम बूम पे ही था और हर आदमी पेटीएम ही इस्तेमाल करता था। तो आपका डी ऑप्शन सही है, ये पहली कंपनी थी आपकी। विच बैंक ऑफर ई वॉलेट ऐप पेजैप, पेजैप कौन सा बैंक ऑफर करता है, मतलब किस बैंक का ई वॉलेट पेजैप ऐप है? ICICI, HDFC, SBI या PNB? तो HDFC का ये ऐप है पेजैप, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24वां सवाल है, डैश डैश प्रोवाइड एन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन UPI, UPI पर आधारित ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इनमें से कौन प्रदान करता है? क्या पेजैप प्रदान करता है, फ़ोनपे प्रदान करता है, SBI या सिट्रस प्रदान करता है? तो यहाँ पर फ़ोनपे ही एक ऐसा ऐप है जो UPI पर आधारित पेमेंट सिस्टम आपको प्रदान करता है, इसमें सीधे खाते में आपके पैसा चला जाता है। इसके बाद देखते हैं अपना 26वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइम एंड प्लेस वेयर अ रिटेल ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटेड, रिटेल ट्रांजेक्शन कब कम्प्लीट होती है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, POS या ई वॉलेट? तो यहाँ पर POS आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, विच टाइप ऑफ POS इज सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम दैट कैरी एड ऑन पेरिफेरल्स? तो यहाँ पर देखिए टर्मिनल आपका सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि 28वां सवाल है, इंटरनेट बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज, इंटरनेट बैंकिंग को और किस नाम से जाना जाता है? ऑनलाइन बैंकिंग, वेब बैंकिंग, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस? तो देखिए इंटरनेट बैंकिंग को आप जान सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के भी नाम से और वेब बैंकिंग के भी नाम से, दोनों नाम से इंटरनेट बैंकिंग को जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बारी है आपके 29वें सवाल की, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन इन नेफ्ट, नेफ्ट में एन का क्या मतलब है? जो नेफ्ट होता है, नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है, उसमें एन का क्या मतलब है? नेट, न्यू, नेशनल या नेक्स्ट? तो एन का मतलब आपका नेशनल होता है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बारी है आपके 30वें सवाल की, द टाइमिंग ऑफ नेफ्ट इज़ फ्रॉम, नेफ्ट को इस्तेमाल करने का समय कब से कब होता है? तो यहाँ पर टाइम चार दिए गए हैं, 9 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक, 9 बजे सुबह से लेकर शाम के 7 बजे तक, 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक या 8 बजे सुबह से लेकर शाम के 7 बजे तक? तो नेफ्ट को इस्तेमाल करने के लिए सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक इसकी सुविधा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। इसके बाद बारी है 31वें सवाल की, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टी इन RTGS, RTGS का फुल फॉर्म अगर लिखें तो टी का क्या मतलब होता है? टाइम, टेक्स्ट, टर्म या ट्रांसफ़र?
तो यहाँ पर टी का मतलब टाइम्स है, बहुत से लोग इसमें ट्रांजिक्शन लगा देते हैं लेकिन टी का मतलब टाइम्स है, ठीक है। इसके बाद 32वां सवाल है, आरटीजीएस के माध्यम से भेजी जाने वाली न्यूनतम राशि है, आरटीजीएस से आप कम से कम कितना रुपए आपको भेजना होता है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 2.5 लाख। तो आरटीजीएस के माध्यम से आपको कम से कम 2 लाख रुपए भेजने होते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद चलिए 33वें सवाल की तरफ, विच इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज इज़ अवेलेबल 24/7 थ्रू आउट द ईयर, इनमें से कौन सी इंटरनेट की सुविधा 7 दिन 2400 घंटे साल भर अवेलेबल होती है, आरटीजीएस, आईएमपीएस, नेफ्ट या नैन ऑफ दिस। तो आईएमपीएस आपको हमेशा अवेलेबल मिल जाएगा, ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, बाकी सबकी समय सीमा होती है इतने बजे से या इस दिन, यहाँ पर आईएमपीएस के साथ ऐसा कुछ नहीं है। चलिए 34वां सवाल, इन आईएमपीएस द ट्रांसफ़र लिमिट इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल अप्रॉक्सीमेटली डैश डैश पर डे, तो आईएमपीएस में क्या लिमिट आपकी होती है, तो यहाँ पर 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख। तो यहाँ पर आपका 2 लाख सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। इसके बाद चलते हैं 35वें सवाल की तरफ, डैश डैश इज़ एन इंटरनेट बेस्ड मेथड ऑफ प्रोसेसिंग इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, यहाँ पर आपका ऑप्शन है ऑनलाइन बिल पेमेंट, ई वॉलेट, USSG या ऑल द अबव। तो यहाँ पर ऑनलाइन बिल पेमेंट आपका सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद बढ़ते हैं 36वें सवाल की तरफ, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम टिपिकली रन बाय थर्ड पार्टी कॉरपोरेशन सच एज, ऑनलाइन पेमेंट जो है वो थर्ड पार्टी कॉरपोरेशन के द्वारा रन किए जाते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं पेपल, ये तो सही है, गूगल के द्वारा भी यूज़ किया जाता है, क्लिक टू पे के द्वारा भी आप इसका यूज़ करते हैं, ये भी थर्ड पार्टी कंपनी है। तो यहाँ पर ऑल द ऑफ दीज आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 37वां सवाल है, विच मोबाइल वॉलेट डज नॉट परमिस कैश विदड्रॉ, कौन सा मोबाइल वॉलेट कैश विदड्रॉ की परमिशन नहीं देता है। तो यहाँ पर देखें ओपन वॉलेट, तो ओपन वॉलेट में आप कैश विदड्रॉ नहीं कर सकते हैं, सेमी ओपन वॉलेट में भी नहीं कर सकते, सेमी क्लोज वॉलेट में भी नहीं कर सकते, इन तीनों में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 38वें सवाल की तरफ, वॉट इज़ ई रूपी, ई रूपी इनमें से क्या है, ई वाउचर, एम पैसा, क्लोज वाउच वॉलेट या पेटीएम सर्विस। तो जो आपका ई रूपी है वो ई वाउचर है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 39वां सवाल है, विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया, इंडिया में क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस करने वाला पहला बैंक कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC या ICICI यहाँ पर लिखा होना चाहिए था, आई कट गया है मेरे ख्याल से। तो जो क्रेडिट कार्ड था वो सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लाया था, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, इसी ने किसका इंट्रोड्यूस किया था, क्रेडिट कार्ड का इंट्रोड्यूस किया था। 40वां सवाल है, UPI इज़ स्टार्टेड बाई, ये ऊपर डिस्कस हो चुका है, NPCI, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद 41वां सवाल देखते हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन MMID, MMID में कितनी डिजिट्स आपकी होती हैं, 4, 5, 6, 7। तो MMID में टोटल 7 डिजिट्स होती हैं, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। इसके बाद बारी है अपने 42वें सवाल की तरफ, वेन डिड द RTGS फैसिलिटी स्टार्ट, RTGS की सुविधा कब शुरू हुई थी, मतलब किस सन में शुरू हुई थी, यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं, 2002 में, 2004 में, 2005 में, 2008 में। तो RTGS की जो सुविधा थी वो आपकी आई थी 2004 में, 2004 से ही RTGS की सुविधा की शुरुआत हुई थी। इसके बाद देखते हैं 43वां सवाल, वॉट इज़ APR इन क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में APR क्या होता है, APR का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो APR आपका होता है एनुअल परसेंटेज रेट, यहाँ पर ठीक है, क्या होता है एनुअल परसेंटेज रेट, ये आपका APR का फुल फॉर्म है। चलिए अगला सवाल जो कि 44वां सवाल है, और यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो मतलब ये लेक्चर आपके काम का ही होगा, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इन विच ईयर द इंडियन रुपी सिंबल, जो इंडियन रुपी का ये सिंबल है वो किस साल में आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, यहाँ पर देखिए 2009, 2010, 2015, 2016। तो जो रूपी सिंबल है वो आपका 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं 45वां सवाल,
वॉट डज सी टू बी स्टैंड फॉर? सी टू बी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, इसका क्या मतलब है? तो सी का मतलब होता है आपका कस्टमर और बी का मतलब आपका होता है बिजनेस। तो सी टू बी का फुल फॉर्म क्या हुआ? कस्टमर टू बिजनेस। यहाँ पर आप ए ऑप्शन देखें तो कस्टमर टू बिजनेस आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 46वें सवाल की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ IMPS, IMPS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो IMPS का फुल फॉर्म है आई मतलब इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ये आपका IMPS का फुल फॉर्म है। चलिए अगला देखते हैं 47वां सवाल। वॉट इज़ द साइज़ ऑफ 500 नोट? 500 के नोट की साइज़ क्या होती है? ये तो एक ऐसा सवाल है जो आप ना देखे हो तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये कुछ उन सवालों में से है। तो आपका 66 mm गुड़े 150 mm आपके 500 के नोट की साइज़ होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 48वें क्वेश्चन की तरफ। विच बैंक इश्यूड द फर्स्ट ATM कार्ड इन इंडिया? पहला ATM कार्ड इंडिया में किस बैंक ने जारी किया था? SBI, HSBC, HDFC या ICICI? तो आपका जो पहला ATM कार्ड था वो HSBC ने जारी किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट है। चलिए 49वां सवाल देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स बाई एंटरिंग द रॉन्ग OTP देन द कार्ड विल बी ब्लॉक फ्रॉम ऑनलाइन पेमेंट? मतलब आपके पास कोई कार्ड है, आप यूज़ करते हैं और उसमें आप कितनी बार आप अपना जो OTP है वो गलत डाल दें तो ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा ब्लॉक कर दी जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, 2 बार, 3 बार, 3 बार से ज़्यादा, या कार्ड ब्लॉक होता ही नहीं है। तो 3 बार जैसे ही आप OTP गलत डालेंगे आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा को ब्लॉक कर दिया जाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। और फिर आज का आखिरी सवाल, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और हमारे इस प्रयास को आप सपोर्ट करेंगे सब्सक्राइब करके। चलिए ABRS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। अब ये ABRS क्या है, नाम सुनेंगे तो एकदम से समझ में आ जाएगा। आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस। यहाँ पर देखिए, आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस आपका ये ABRS का फुल फॉर्म है। यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट है आपका, ठीक है। तो ये रहे आज के 50 सवाल जो हमने डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।